सर ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी एकदम से ही, हमारे पूर्वज जो है दूसरी पार्टियों में लगातार काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं मैं तो आम आदमी पार्टी से ही जुड़ गया था अरविंद केजरीवाल से उनकी नेक नीतियों से, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से लोग जुड़े थे पीएम मोदी साहब से जुड़े थे, उन्हें लग रहा था कि शायद हमें 100 स्मार्ट सिटी मिलेंगी, बुलेट ट्रेन मिलेगी, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, किसानों का लोन माफ होगा, तो बहुत से वादे थे। तो अब सब हवाई हो गए हैं और सब जुमलेबाज है, तो कहीं ना कहीं उनके सिर्फ वोट लेने का और इलेक्शन का ही एजेंडा था ये। तो अब तो शायद मेरे साथ साथ सभी आम आदमी पार्टी की तरफ झुकी गई है, तो अब लोगों की आखिरी उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी, देश का भविष्य है। तो मैं तो दिल्ली में क्या क्या किया गया है सर, अपना शिक्षा का क्रांतिकारी काम हुआ है, स्वास्थ्य में टेस्ट ऑपरेशन सब फ्री हुआ है, अगर दिल्ली के एरिए में किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो आप किसी भी प्राइवेट में भी लेके जाओगे तो भी आपका पूरा इलाज फ्री है, शहीदी सम्मान है 1 करोड़ रुपये आर्मी का, पुलिस का, जो भी उसमें महकमे जुड़े गए हैं उसमें, पानी बिल्कुल फ्री है, घर बैठे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, आज सड़कें देखिए यूरोप देशों जैसी सड़कें बनाई जा रही है, लाल किले के सामने ही जो सबसे पहले बनी है बहुत जल्दी और बहुत अच्छी सड़क बनी है, तो हर फील्ड में काम किए जा रहे हैं। और एक लोकल परिवार, गरीब परिवार को, मध्यम परिवार को, झुग्गी झुपड़ी वाले को जो चाहिए वो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, और जिस चीज से हमें बचना है जाति धर्म इन सबसे 7 साल की राजनीति में अरविंद केजरीवाल को भी नजदीक दिखाई नहीं दी। और बस आपको पहुंचने का, घर पहुंचने का कितना टाइम लगेगा? और सर मैं घर से चला था तो मुझे नहीं पता था मुझे कितना टाइम लगाना है, अब भी नहीं पता मुझे कितना टाइम लगाना है, तो फिलहाल तो मैं चंडीगढ़ होते हुए भी हरिद्वार की तरफ जा रहा हूँ, तो आगे जाके रूट तय करता हूँ। कितना टाइम हो गया आपको घर से? लगभग 1.5 महीना हो गया, 4 जुलाई को मैं निकल लिया था। तो रास्ते कितना मिला हंगारा थानू? सर बहुत बढ़िया मान सम्मान मिल रहा है, मेरे मन में कहीं नहीं था कि मेरा कोई विरोध करेगा और या कोई ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ, तो जो मन में नहीं आया तो वो मेरे साथ हुआ ही नहीं। मुझे लग रहा था कि केजरीवाल जी प्रचार करना है, पंजाब में अच्छा माहौल है, लोग बहुत साथ देंगे वहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने जगतार भाई है आपके पीछे खड़े हुए हैं, तो ये मुझे यहाँ से 3-4 किलोमीटर मिले थे चौराहे पर, और मैं यहाँ तक पहुँचा तो इन्होंने सारी व्यवस्था कर ली, कार्यकर्ता इकट्ठे कर लिए, और ये सभी साथी जो पार्टी से भी जुड़े हुए हैं ये यहाँ पर आंदोलन में भी काम कर रहे थे, किसान आंदोलन में, तो इनसे मिलने का मौका मिला। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सत श्री अकाल जी, नमस्कार, मेरा नाम पोपट भाई है। आप कहाँ से पैदल यात्रा क्यों की शुरू की? सर मैं हरियाणा रोहतक से चला था। कितने दिन से चले हैं जी आप? सर मैं 4 जुलाई को चला था, लगभग 1.5 महीना हो गया मुझे। तो ये चलने का कारण दस सकते क्यों? बस अपना आम आदमी पार्टी का प्रचार करना है, अरविंद केजरीवाल जी की जो नेक नीतियां हैं, जो उनकी विचारधारा है, उसको जहां तक मैं पहुंचूं वहां तक उसको पहुंचाना, और आप जैसे मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो दाएं बाएं तक मुझे पहुँचाएंगे, और दिल्ली में जो उन्होंने क्रांतिकारी काम किए उनको मैं पंजाब में लेके आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, जो दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर शहीदी सम्मान, 1 करोड़ घर बैठे कागज बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, तो ये सभी काम पंजाब में भी हो, पंजाब के बाद हरियाणा और पूरे राज्य में ये सब होने चाहिए। तो उत्थे बीजेपी का की अपने हैगा सहयोग हरियाणा में? हाँ जी सर, जैसे पूरे देश नाराज भी है और पूरे देश को लूटा है, वही हालात हमारे हरियाणा में भी है, ऐसे किसान आंदोलन कर रहे हैं, और कांग्रेस से तंग हुए थे हम, कहीं ना कहीं लगातार उनके घोटाले उजागर हो रहे थे जिस टाइम आंदोलन हो रहे थे उस टाइम भी, और वही हालात आज बीजेपी के हैं, कांग्रेस से दुखी अगर लोगों ने बीजेपी सरकार बनाई थी, अब बीजेपी में भी वही घोटाले दर घोटाला हो रहा है लगातार, और बहुत तंग है उससे, तो कहीं ना कहीं एक जनता को नई पार्टी चाहिए, नया उम्मीदवार जिस पर भरोसा किया जा सके, और कहीं ना कहीं केजरीवाल जिस पर बिल्कुल खड़े उतर रहे हैं, तो लोग चाहने लगे अरविंद केजरीवाल को, और बीजेपी तो मैं पंजाब में घूमा तो यहाँ भी बहुत बुरा हाल है, और बुरा नहीं जैसे दिल्ली में कांग्रेस को जीरो किया था अरविंद केजरीवाल ने, आपकी बार पंजाब में बीजेपी जीरो होने को है, और मैं जम्मू, कटरा और अपने वैष्णो देवी भी गया था, वहाँ भी बीजेपी से लोग ऐसे ही खपा हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमें उम्मीद थी अपने पीएम मोदी साहब से, तो कहीं ना कहीं वो इस पर बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल के सिवा हमें किसी पर उम्मीद नहीं रही है, अगर हमारे बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों का अगर भविष्य है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल में नजर आता है, इस देश का जो भविष्य है वो अरविंद केजरीवाल में नजर आता है। पंजाब वासियों को तुम की संदेश देना चाहोगे? संदेश तो मैं यही कहना चाहूँगा
ये लड़ाई जो है ये नेताओं की लड़ाई नहीं है, जो पार्टी है वो भी किसी नेता की पार्टी नहीं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, ये हम आम लोगों की पार्टी है और आम लोगों की इसमें लड़ाई है। अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, हमें अपने पंजाब को बचाना है, जो मान सम्मान पहले पंजाब का इस देश में था, जो यहाँ के वीरों का मान सम्मान था पंजाब में का पूरे देश में, अगर उनके मान सम्मान को बचाना है और खुद को ऐसा ही रखना है तो कहीं ना कहीं हमें खुद इन घर से निकल के अरविंद केजरीवाल जी का प्रचार करना होगा, आम आदमी पार्टी का प्रचार करना होगा। होशियारपुर विखे साढ़े रोहतक तो चले हुए पोपट लाल जी, तो पोपट भाई जी इन्हों का नाम आ, आम आदमी पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी की विचारधारा हिंदुस्तान के कोने कोने पहुँचाने रोहतक हरियाणा तो चल के पंजाब के बख बख इलाकों होंदे हुए, जम्मू तो होंदे हुए अब होशियारपुर तो वापसी हरिद्वार उत्तराखंड वाले पास जा रहे हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ योजे कार्यकर्ताओं तो, इन्हों की विचारधारा तो, इन्हों के संकल्प तो, कि किस तरह इन्होंने अंदर जज्बा भरया कि इस देश में शहीदों के सपनों का भारत बना, अज शहीदों के सपनों का भारत बनाने की खातर देखो एक इंसान पैदल किस तरह रोहतक तो लैके पंजाब की यात्रा करते हुए जम्मू कश्मीर तो हों हो, फिर दोबारा हूँ होशियारपुर की धरती तो हों हो, जाके उत्तराखंड हरिद्वार की धरती आ उ जाके अपनी यात्रा समाप्त करेगा। तो माननीय साढ़े अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी की सोच जी इस देश में शहीदों के सपनों का भारत बना उस वाले पासे लियानवे लोगों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब होशियारपुर की समुची टीम वालों असी इन्हों होशियारपुर की धरती से पहुंचने विखे सम्मान किया अपनी पार्टी वालों, और असी ये आस करते हैं कि परमात्मा इन्हों यात्रा के बल बख्शे और ये अपनी गल आम आवाम तक जी आम आदमी पार्टी की सोच है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सोच आ कि स्वराज जब तक मुकम्मल नहीं होता, स्वराज का सपना जब तक साकार नहीं होता तब तक मुकम्मल आजादी नहीं आ सकती। सो उस मुकम्मल आजादी को लिया की खातर असी ऋणी हाँ इन्हों के पोपट भाई के जेडे इस यात्रा कर रहे हैं, और मैं आस करता परमात्मा अगर दुआ करता वा कि परमात्मा इन्हों बल बख्शे ताकि साड़ी पार्टी का प्रचार से प्रसार से आम लोगों की जी आवाज़ आ और मिल सके।